हमारा शराब नीति हिंदुस्तान में अच्छा नीति बना है, इसी के कारण हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड हमारा नीति को अपना रहा है। मध्य प्रदेश सरकार हमारे अधिकारी लोग से लगातार संपर्क में है, तो हम लोग अच्छा नीति होने से, अच्छा काम होने से किसी को पेट दर्द नहीं होना चाहिए। वो जनता का जो दारू का पैसा विकास में आएगा, नौकरी में जाएगा, पेंशन में जाएगा, जनता का हित में जाएगा, विकास में जाएगा, सड़क में जाएगा, इसलिए अच्छा काम है। ना शराबबंदी का बात तो अभी चल रहा है, उसको आपका भी राय चाहिए, आम आदमी का राय चाहिए, राजनीतिक दल के लोगों को चाहिए। ये प्रदेश हमेशा मैं बोलता हूँ सात राज्य घिरा हुआ राज्य है, इसको किस तरफ से करना चाहिए। अभी हम लोग चुनाव के बाद मैं बिहार जाएंगे, गुजरात जाएंगे, जहाँ बंद है पूरे हिंदुस्तान में, तो उस प्रकार में वहाँ आदिवासी लोग लाखों लोग जेल में हैं, उसको भी देखना है। ये तो हम हमेशा बोलता हूँ बस्तर का रीति, बस्तर में तो सैदे बंद होगा, क्योंकि वहाँ के आदिवासी, वहाँ के लोग दुख में, सुख में, सट्टी में, पूजा में इसको सेवन करते हैं, क्योंकि वहाँ पांचवी आंसी लगा है, जो पंचायत जो बोलेगा, जो ग्राम सभा जो बोलेगा, उस हिसाब से वहाँ तय होगा, राज्य सरकार के हिसाब से तय नहीं होगा, किसी राजनीतिक दल से तय नहीं होगा। करोड़ रुपये का शराब होली पे बिका है छत्तीसगढ़ में, शराबबंदी का वादा करते थे। हमने तो पहले भी कहा है छत्तीसगढ़ में शराब की नदियां बहाने का श्रेय अगर किसी को है, हमारे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी को है। जिस तरीके से उन्होंने नीति बनाई थी प्रदेश में, जिस तरीके से शराब की खपत और आय हुई, जिस समय डॉक्टर रमन सिंह जी सरकार में आए थे 400 करोड़ रुपया ही शराब से आय होती थी, और रमन सिंह जी के भगीरथ प्रयास से वो आय 5000 करोड़ में पहुंचा था, तो इसका सारा श्रेय तो डॉक्टर रमन सिंह जी को जाना चाहिए।